गाइस स्वागत है आपका प्ले विद क्रिश की एक और नई वीडियो में। तो गाइस रियल क्रिकेट 22 अब बन चुकी है रियल क्रिकेट 24। तो अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अपडेट कीजिए। अब दोस्तों काफी लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आपने रियल क्रिकेट 22 के ऊपर तो काफी सारी वीडियोस बना दी, अब तो रियल क्रिकेट 24 है, इसमें बताओ कि कैसे हम विकेट ले, काफी मुश्किल हो गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, रियल क्रिकेट 24 जो है वो रियल क्रिकेट 22 से ज्यादा मुश्किल है और इसमें विकेट लेना और ज्यादा मुश्किल है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप रियल क्रिकेट 24 में जितनी चाहे उतनी विकेट ले सकते हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको देखना है कि बैट्समैन कहां पे शॉट मार रहा है और उस हिसाब से आपको ऐसे फील्डिंग लगा लेनी है। अब दोस्तों विकेट लेने के लिए आपको सबसे पहले स्पिनर चूज करना है और यहाँ पे आपको बॉल थोड़ी सी शॉर्ट पिच करनी है, ना ज्यादा पैरों के पास और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट, बिल्कुल बीच में कुछ इस तरीके से आपको बॉल को पिच करना है और आपको बॉल को अंदर की तरफ घुसाना है। मतलब अगर बैट्समैन राइट हैंडेड है तो आपको ऑफ स्पिन डालनी है, नहीं तो लेग स्पिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉल कैसे टिप्पा पड़ती अंदर घुसी और यहाँ पे मुझे विकेट मिल गई। प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। अब यहाँ पे भी देखिए बैट्समैन जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, मतलब हम यहाँ पे ऑफ स्पिन डालेंगे और बॉल बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा बाहर करके पिच करेंगे कुछ इस तरीके से और हम यहाँ पे बॉल को अंदर की तरफ घुसाएंगे और स्पीड एकदम स्लो रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड मैंने एकदम स्लो रखी है, लेग साइड में मैंने ऑलरेडी पीछे फील्डर लगाया हुआ है, तो जैसे बैट्समैन शॉट मारेगा मुझे यहाँ विकेट मिल जाएगी। बल्लेबाज हैरान है इसी फील्डिंग देखकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैट्समैन यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड है, तो मैं यहाँ पे बॉल को बिल्कुल वैसे ही पिच करूंगा थोड़ा सेंटर में और यहाँ पे लेग स्पिन डालूंगा जो अंदर की तरफ घुसेगी, स्पीड एकदम स्लो। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे आसानी से एक और विकेट मिल जाएगी।